हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकबाल आलम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2023 के जो विजुअल ट्रेंड्स हैं और जो कि बताया गया है freepeakbuy.com। एक्चुअली ये क्रेडिट्स फ्री पिक को जाता है और मैं ट्रेंड्स बता रहा हूँ कि कौन सा ट्रेंड्स कब कैसे यूज होने वाले हैं, तो हम वन बाई वन हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट ट्रेंड मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, फ़ोटो से। फ़ोटो ट्रेंड्स में क्या कह रहा है कि आपने बहुत सारे फ़ोटो को आपने कैप्चर किया है, उस कैप्चर को तीन चार से पांच फ़ोटो को एक जगह पर हम लोग कैसे मर्ज करेंगे, मैनिपुलेट कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिखाया हुआ है किस तरह से किया हुआ है। यहाँ पे थ्री डी इफेक्ट करके डाला हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर इधर पे आपको देख सकते हो गेमिंग करते हुए ये किस तरह से है। बाकी विजुअल यहाँ पे दिखा सकते हो कि यहाँ पे एक समुंदर में किस तरह से एक फ्रिज को लेकर के बैठा हुआ है। तो मतलब ये मैनिपुलेशन करके यहाँ पे विजुअल ट्रेंड फ़ोटो को हम लोग बना सकते हैं। दूसरा आते हैं वेक्टर ट्रेंड। वेक्टर ट्रेंड में क्या होता है कि आपके आसपास में कुछ भी चल रहा हो, उनका एक आप एलिस्ट्रेशन बना करके उसको एक एनिमेशन में क्रिएट करके एक वेक्टर ट्रेंड बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे देख सकते हो कि यहाँ पे एलिमेंट्स आके, यहाँ पे आप देख सकते हो एक ट्यूब्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो किसी के फेस का है, यहाँ पे आप देख सकते हो हैंड में एक स्क्रीबल है, यहाँ पे कुछ फ्लावर्स के हैं, स्टार्स हैं, यहाँ पे हर्ट्स है, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला करके एक थोड़ा सा स्टॉप मोशन टाइप का आप बना सकते हो। देन आपका PSD यानी फ़ोटोशॉप के कुछ फाइल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप दो फोटो को कंबाइन करके एक नए ट्रेंड्स को आप बना सकते हो। सो जो ऐसा लगता है कि आपने मैंने कभी देखा नहीं है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके शर्ट्स में जो फ़ोटोशॉप से बनाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो आइज़ और यहाँ पे कुछ डूडलिंग किया गया है। तो इस तरह से आप फ़ोटोशॉप में कैसे बनाते हैं, अगर इस ट्रेंड को भी जानना है तो हम आगे का कुछ क्लास जो है आगे का हम कंटिन्यू बताएंगे। आप मेरे साथ चैनल पे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा लें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टेम्पलेट में। टेम्पलेट में जैसे ही आते हैं तो टेम्पलेट क्या होता है कि आपके अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। जैसे अभी यहाँ पर जो ट्रेंड है, यहाँ पर कलर ट्रेंड देख रहे हो, यहाँ पर 2022 और 2023 का ट्रेंड करके यहाँ पर बताया गया। तो इसी तरह से एक विजुअल जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं उसमें कंटेंट सोचते हैं उसका और ग्राफिक एलिमेंट्स को ऐड करके कैसे कराते हैं। यहाँ पे आप क्रॉजल है, बहुत सारे दिखाया गया है कैसे आप विजुअल को प्ले कर सकते हैं, किस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक एक करके आपको बना करके बताया हुआ है। तो हम नेक्स्ट वाले स्टेप में बढ़ते हैं, मॉकअप। अब आपने जो डिज़ाइन किया है उसका एक मॉकअप बहुत मायने रखता है। मॉकअप की कैसे दिखने वाला है पैकिंग के बाद, या हम फोटोग्राफी करते हैं उसके बाद कैसे दिखेगा, एक मॉकअप हमको करके दिखाना जरूरी है। जैसे यहाँ पे एक लोगो है बोतल में करके मॉकअप दिखाया। दूसरा मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो टी शर्ट का जो ब्रांडिंग है उसका पैकेजिंग के ऊपर ने मॉकअप करके किस तरह से लोगो दिखाया। तो एवरी पैकेज जो है उसके ऊपर जो पेपर है और टेक्स्ट है उसमें ब्रांडिंग का जो है मॉकअप कैसे होना चाहिए, ये यहाँ पे ट्रेंड के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि आप एज ए डिज़ाइनर हो, फोलियो वगैरह में ऐड करना चाहते हो, तो इस तरह का आपको ट्रेंड फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा है आइकन्स। आइकन्स का जो है आपको बहुत सारे मैंने 2021, 2022 और 2023 तीनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। आप अगर ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं तो आप अगर पिछले वाले ट्रेंड को देखोगे तो आपको मिल जाएगा। आपके एक वीडियो में लिंक मैं दे दूंगा जो पिछले वाले ट्रेंड से था। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे न्यून कलर है, बहुत सारे जो अच्छे जो क्वालिटी के जो कलर्स होते हैं, न्यून कलर्स होते हैं, मतलब पैंटोन शेड्स होते हैं, वो उनका लेकर के एक आइकन्स जो क्रिएट किया जाता है वो मतलब बहुत ही आज के डेट में ट्रेंड चल रहा है। जो हर वेबसाइट के ऊपर आप देखोगे ना कि एक आइकन्स का आया था, आइकन से आपको आइडेंटिफाई कर लेना होता है कि अच्छा इस चीज़ के लिए है। सेकेंड है फॉन्ट। फॉन्ट स्टाइल भी आपके हर डिज़ाइन में कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। जैसे कि आप, जैसे मैं ऊपर करके मैं बताता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल किस तरह, यहाँ पे विंटेज का है। दूसरा जो है इस टाइप से विंटेज फॉन्ट जो और भी कितनी तरह से बन सकते हैं। दूसरा आ जाता है यहाँ पे कैलीग्राफी जो होता है, टाइपोग्राफी हैंड रिटन जो टाइप का होता है। यहाँ पे बोल्ड फॉन्ट जो होता है कॉमिक वगैरह, मतलब आप कुछ कार्टून कैरेक्टर वगैरह में यूज करते हैं, तो आप स्पेसिफिक चीज़ को आप आइडेंटिफाई करके आप उसका फॉन्ट यूज कर सकते हैं। किड्स वगैरह के लिए बना रहे हैं तो कुछ फनी टाइप का होना चाहिए, कुछ ताकि वो बच्चे जो पढ़ने में हैं वो इंजॉय कर सके। इस टाइप का जो कॉमिक सेंस में आ जाता है फॉन्ट, इस टाइप का जो आता है जो विंटेज ग्रंज टाइप का होता है, जो एक्चुअली ज़्यादातर लिखने में आता है मैगजीन वगैरह में, जो हेडलाइंस वगैरह होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप ये तरह देख रहे हो कि मैगजीन का एक फोटोग्राफ्स में उसके ऊपर कैसे लिख करके दिखाया, तो ये सारे फॉर एग्ज़ाम्पल
के तौर पे यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से यूज करते हैं। 3D अब आते हैं। 3D ट्रेंड जो है डे वाइज इंक्रीज होते जा रहा है, और अपना भी खुद को अगर स्टैटिक रख रहे हैं तो आपको आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि 3D में भी आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रखिए, उसको जानिए किस तरह से हम लोग विजुअल को और अच्छा दिखा सकते हैं, एनालाइज करके आप कैसे अच्छा बना सकते हैं। कि 3D एलुस्ट्रेशन में बहुत सारे चीज़ भी आते हैं, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। जिस तरह देखिए यहाँ पे एक पोडियम बनाया गया है, पोडियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। दूसरा है कि आप एक कलर को 3D रेंडर में आप कितना अच्छा से दिखा सकते हैं। एक प्रोडक्ट को अगर कुछ किसी टाइप का अगर मोबाइल है या फिर कोई ब्यूटी से रिलेटेड हो या कोई फैशन से रिलेटेड हो, आप इस तरह से आप कितना खूबसूरत बना सकते हैं वो आपको डिपेंड करता है। एलुस्ट्रेशन बेस में जाते हो, पैंटोन सेट में खेलते हो, इस तरह से आप देख सकते हो। तो ये आपका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, आप नेक्स्ट करके देख सकते हो। तो मैं अभी पढ़ता हूँ पैलेट्स। पैलेट्स जो होता है वो हमेशा ट्रेंड्स को कलर के अकॉर्डिंग आपको डिजाइन विजुअल आप जो सोच रहे हैं किस तरह से होना चाहिए। तो आप इस स्क्रॉल करके मैं बताता हूँ, ये आप देख सकते हो कितना अच्छा से ग्रेडियंट प्ले किया गया। दूसरा आप देख सकते हो कितना मतलब वाइड रेंज में जो कलर को मैच करके बनाया गया। ये हर पैलेट में आपको एक नई नई चीज़ें आपको दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो 3D कितना। यहाँ पे देखो पॉपकॉर्न को कितनी अच्छी मतलब वाइब्रेंट कलर में दिखाया गया, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि यार जो मतलब दिखने मारा वो एकदम अमेजिंग है। ये देख लो। तो अभी नेक्स्ट जो है कलर ऑफ द ईयर। तो लास्ट जो है अपना जो 2002 का था पेरी बेरी था, अभी जो नेक्स्ट जो है मतलब 2013 का जो है वीवा मैजेंटा। वीवा मैजेंटा ये जो है इस साल का कलर है जो आपको यहाँ पे बहुत सारे विजुअल्स में दिखने को मिल रहे होंगे। आप जो आने वाला जो कोई भी वेबसाइट जाते होगा तो इस तरह से ट्रेंड जो फॉलो कर रहा होगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी नेक्स्ट वाले जो भी वीडियोस मैं बनाऊँगा वो ये विंटेज को कलर ट्रेंड में कैसे फॉलो करते हैं और उसका हम लोग यूटिलाइज कैसे करते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं आपका एक एक वीडियो में विद इन 1 वीक में आपको डालते जाऊँगा। आप अपडेट के लिए आप मेरा बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा कर रखिए। तो ये गाइज आई होप आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और इस तरह की वीडियो का इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।